स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओम क्लासेस पुंडरी के प्रांगण में, जहां से आपको ये ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। और आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपका जो अपार स्नेह और आपका जो अपार सहयोग मिल रहा है, ये हमारे लिए एक मतलब टॉनिक का काम कर रहा है। और इसी तरीके से आप हमें प्रेरित करते रहिए और हमारी कमियों को भी उजागर करते रहिए, अगर हम कोई कहीं कहीं किसी प्रकार की त्रुटि कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अपना जो पिछला टॉपिक था टेंस एंड वर्ब, उसका कुछ पार्ट रह गया था, उसका पार्ट थ्री जो आज है वो हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना समय अपना वेस्ट किए हम आज का जो हमारा टॉपिक है उसको पूरा करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम टेंस कर रहे थे तो आप लोगों ने जो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस और पास्ट इनडेफिनेट टेंस है वो तकरीबन कर भी लिया था। तो पहले हम सबसे पहले आज आप लोगों को इनका जो स्ट्रक्चर होता है कि प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में आपने सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज़ करनी है वो आपको बता ही दी थी, पास्ट में कौन सी करनी है वो भी बता दी थी, लेकिन फिर भी हम दोबारा से फिर एक रिटन फॉर्म में आपको बता रहे हैं कि सब्जेक्ट के साथ आपने किस टेंस के अंदर किस वर्ब को यूज़ करना है, किस हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है और उन टेंसेज के अंदर आपको कौन कौन से डिनोटिंग वर्ड्स देखने को मिलेंगे, जिससे आपको ये पता लगेगा कि आप लोगों ने यहाँ पर ये टेंस यूज करना है। चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं पास्ट इनडेफिनेट टेंस की ओर ले चलता हूँ आपको। जब भी कोई सेंटेंस आप पास्ट इनडेफिनेट उसमें टेंस में क्रिएट करोगे तो वहां पर आप लोगों ने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। कौन सी फॉर्म यूज करनी है? सेकंड फॉर्म। और अगर वही सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, यानी ये क्वेश्चन मार्क वाली सेंस में है, तो आपने सबसे पहले क्या यूज करना है? सब्जेक्ट से पहले डिड का यूज करना है और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और जब पास्ट इंडेफिनेट टेंस होगा तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आप लोग ये जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है ये आपने नोट करनी है, ये आपने चेक करनी है कि आपके पास कौन सी एडवर्ब ऑफ टाइम है, यस्टरडे है या यस्टरडे के बाद लास्ट, सॉरी यस्टरडे के अलावा लास्ट के बाद कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आपने यूज कर रखा है, जैसे लास्ट के बाद लास्ट संडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट आवर, इस तरीके के एक्सप्रेशंस टाइम को डिनोट करने वाले एक्सप्रेशंस अगर आपको कहीं मिलते हैं तो आपने ये स्ट्रक्चर यूज करना है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आई played a cricket match yesterday। जरूरी नहीं कि यहां पर yesterday हो, यहां पर यह भी हो सकता है I played a cricket match last Monday या last year या कोई भी टाइम एक्सप्रेशन, जिससे पता लगे कि यहां पर आपका जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनेट होगा। तो आप ये सेंटेंस दोबारा से देखिए एक बार, आई प्लेड अ क्रिकेट मैच यस्टरडे। सबसे पहले मैंने कहा था कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि ये साधारण वाक्य है, इसमें किसी प्रकार का कोई निगेशन या कोई इंट्रोगेशन नहीं है, अगर इस प्रकार से साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी थी? सेकंड। और वो हमने कर ली। उसके बाद आपने ये सेकंड फॉर्म क्यों यूज करी? क्योंकि हमारे पास यहां पर जो टाइम डिनोटिंग वर्ड था वो यस्टरडे था, यानी हमारे पास जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो यस्टरडे है, यस्टरडे के अकॉर्डिंग हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर ली। और अगर यस्टरडे के अलावा हमारे पास यस्टरडे ना हो, यस्टरडे के अलावा लास्ट के बाद कोई भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, चाहे वो लास्ट मंडे है, चाहे लास्ट आवर है, कुछ भी है, तो आपने क्या यूज करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर इसी सेंटेंस को हम इसका फॉर्म चेंज कर दें, इसको इन्वर्ट कर दें, यानी कि साधारण से हम इसको प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक का मतलब ये चीज, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको बना दें, तो फिर पास्ट टेंस को कैसे यूज करना है? पहले ही बताया था मैंने, हेल्पिंग वर्ब आपकी डिड, सब्जेक्ट आपका वहीं आ जाएगा जहां इसको आना चाहिए, डिड आई, क्योंकि डिड ऑलरेडी
वर्ब की सेकंड फॉर्म है डू डज डिड। तो आप लोग अब क्या यूज करेंगे, अब जब वर्ब यूज करेंगे तो वो सेकंड फॉर्म और प्लूरल में यूज होगी। डिड आई प्ले, डिड आई प्ले, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है डिड के साथ, डिड आई प्ले। बाकी वही आ क्रिकेट मैच यस्टरडे, लास्ट डे, और सबसे लास्ट में आपने लगा देना है साइन ऑफ इंट्रोगेशन क्वेश्चन मार्क। तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो गया और यूज कहां करना है। अब एरर क्या होती है कि कई बार हम जैसे यस्टरडे के साथ ऐसे लिख देते हैं, आई हैड प्लेड अ क्रिकेट मैच, आई हैड प्लेड अ क्रिकेट मैच यस्टरडे। जब भी टाइम डिनोटिंग वर्ड यस्टरडे या लास्ट के साथ कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आपने यूज कर लिया तो उस टाइम आप लोगों ने हैड का यूज नहीं करना है, हैड का यूज नहीं करना है, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। अगर आप इस तरीके से यूज करोगे हैड का तो ये सेंटेंस गलत माना जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। उसके बाद हम अगले टेंस की ओर बढ़ते हैं। ये आपका पास्ट इंडेफिनेट था, ये इसके टाइम एक्सप्रेशन वर्ड थे। उसके बाद हम सिंपल फ्यूचर को लेते हैं। सिंपल फ्यूचर क्या होता है? सिंपल फ्यूचर जब आप लोगों को कोई कार्य किसी निश्चित समय में, भविष्य में किसी निश्चित समय में किसी सर्टेन मोमेंट पे आपको करना है वो चीज, तो हम उसमें सिंपल फ्यूचर यूज करते हैं। अब सिंपल फ्यूचर में आपके पास जैसे इसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट के बाद अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, जैसे हमने अभी एक अफर्मेटिव लिया था और एक इंट्रोगेटिव लिया था, जब आप साधारण वाक्य लेंगे तो आपके पास फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट के बाद विल या सेल हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के तौर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कैसे, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए आई और वी आपके पास दो सब्जेक्ट है, या ही और दे आपके पास ये दो सब्जेक्ट है। आई और वी के साथ साधारण परिस्थिति में, यानी ना तो आप किसी को धमकी दे रहे हैं, ना ही आपने किसी के साथ वायदा किया है, ना ही आप लोग किसी चीज के लिए कटिबद्ध हैं, यानी कि आपने कोई प्रॉमिस नहीं किया, आपने कोई डिटरमिनेशन नहीं किया, आपने कोई थ्रेट यानी कि धमकी नहीं दी किसी को, या आपने कोई टाइमलाइन नहीं दी किसी को कि मुझे इस टाइम पर यह काम मैं करूंगा। तो जहां कमिटमेंट वगैरह ना हो, डिटरमिनेशन ना हो, धमकी वगैरह ना हो, तो आई और वी के साथ हमेशा सेल यूज करते हैं, और ही दे यानी कि जो थर्ड पर्सन से बिलोंग करते हैं, थर्ड से और सेकंड से जो बिलोंग करते हैं उनके साथ विल का यूज करते हैं। और अगर परिस्थिति बदल जाए, धमकी वगैरह आ जाए, तो इनके साथ सेल हो जाएगा और इनके साथ विल हो जाएगा। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आई सेल गो टू द स्कूल टुमोरो, आई सेल गो टू द स्कूल टुमोरो। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे ये पता लगे कि आपने कोई प्रोमिस किया। आप एक ऑर्डिनरी काम जो आप डेली करते हो, आप जब स्कूल खुल जाएंगे तो आप रोज ही जाते हो स्कूल में, तो उसमें कोई विशेष बात नहीं है। तो हमारे पास आई के साथ क्या आएगा? सेल, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट। और यही सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव हो जाए तो हमने हेल्पिंग वर्ब को कहां ले आना है? पहले, और उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है वो कहां हो जाएगा? आई, और बाकी आपका सारा वही का वही, और लास्ट में आपने लगाना है इंट्रोगेशन मार्क यानी साइन ऑफ इंट्रोगेशन क्वेश्चन मार्क लगा देना। अब इसमें एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस है, कई बार नियर फ्यूचर की बात है, नियर फ्यूचर, एक तो आप काम को करते हो कि मैंने ये काम मैं उस टाइम करूंगा, और एक आप ये कहते हो कि मैं ये काम करने जा रहा हूं, यानी आपने काम का करने से पहले ही सोच लिया कि मैं ये काम करने वाला हूं या करने जा रहा हूं, तो वो भी फ्यूचर में आता है। उस टाइम वो सिंपल फ्यूचर नहीं होता, उस टाइम क्या होता है? वो नियर फ्यूचर।
और जब ये नियर फ्यूचर होता है, ये तो लगभग लगभग आपका जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ये वाला, इससे मिलता जुलता होता है। जो सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस हमने ले लिया, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएगा, जो ये रहा, ये नहीं होगा, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है इससे बिल्कुल मिलता जुलता होगा। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज करें हम इज एम आर, इसमें भी नियर फ्यूचर में भी हम इसी तरीके से यूज करेंगे, जैसे सी इज गोइंग टू रीड अ लेसन। अब किसी बच्चे को या किसी लड़की को हमने क्लास में खड़ा किया बुक पढ़ने के लिए, और हम बता रहे हैं आपको, अभी हमने सोच लिया, हमने प्लान बना लिया है कि ये लड़की ये लेसन पढ़ने वाली है, ये पढ़ने जा रही है, समझ गए ना। तो एक तो आप करोगे और एक करने जा रहे हो, यानी सोचने के तुरंत बाद आप कुछ करने जा रहे हो, आप कहने के तुरंत बाद कुछ करने जा रहे हो, तो वो कौन सा सेंटेंस होता है, नियर फ्यूचर का होता है। नियर फ्यूचर को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरह ही यूज करते हैं, लेकिन हम इसको मानते क्या है, फ्यूचर, क्योंकि अभी तो नहीं करें ना, आने वाले टाइम में कर रहे हैं, कुछ मोमेंट के बाद करेंगे। तो ये आपको नियर फ्यूचर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरह आपने यूज करना है। उसके बाद हमारे पास एक और टेंस आता है, और हमने जो इसमें फ्यूचर टेंस में डिनोटिंग वर्ड है टुमोरो, और टुमोरो के अलावा नेक्स्ट के बाद कोई टाइम को एक्सप्रेस करने वाला वर्ड, जैसे ही विल कम हियर टुमोरो, या इसके बाद हम टुमोरो के स्थान पर ही विल कम हियर टुमोरो और नेक्स्ट वीक। तो इससे हमें यह मालूम पड़ जाएगा कि ये जो हमने टाइम डिनोटिंग वर्ड यूज कर रखे हैं टुमारो और नेक्स्ट, तो ये फ्यूचर इंडेफिनेट में यूज करने हैं, और इसमें हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में हेल्पिंग और विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। एक बात को और ध्यान रखिएगा कि कई वर्ब्स ऐसे होती हैं जो थर्ड फॉर्म में वही होती हैं और फर्स्ट फॉर्म में भी वही होता है। तो कम केम कम, जो कम होता है वो फर्स्ट फॉर्म भी वही होता है और थर्ड फॉर्म भी वही होता है। तो थर्ड फॉर्म की पहचान क्या होती है, जब इसके साथ हैज हैव या हैड लगेगा, हैज हैव, अगर हैड इनसे पहले हो, कम से पहले, तो समझो कि ये थर्ड फॉर्म है, और अगर सेल और विल हो तो समझो कि ये फर्स्ट फॉर्म है, और अगर केम होगी तो सेकंड फॉर्म। और केम कब लगेगी, जब हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट टेंस जो भी किया था। उसके बाद हम एक और टेंस ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। फ्यूचर हो गया आपका, सिंपल फ्यूचर हो गया, सिंपल पास्ट हो गया, और सिंपल प्रेजेंट हो गया। अब हम आपका जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की जो पहचान है, यानी इसमें जो स्ट्रक्चर यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद आपका इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आई एन जी, क्या आना चाहिए, आई एन जी। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट हो गया राम, राम इज स्लीपिंग नाउ, वी आर स्टडिंग एट होम, आई एम रीडिंग नॉवल्स दीज डेज। तो इसमें क्या है, आपके पास तीन सेंटेंसेस हैं, तीन सेंटेंसेस आपके पास हैं, और तीनों में हेल्पिंग वर्ब इज आर और एम, हमने ये तीन हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आई एन जी। अब ये देखिए कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्यों यूज किया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करने के पीछे लॉजिक क्या होता है। ये टेंस ऐसी इवेंट्स को, ऐसी घटनाओं को व्यक्त करता है जो या तो बोलते समय हो रही है या वो आजकल ट्रेंड में है। ट्रेंड का मतलब प्रचलन है उसका, जहां पर प्रचलन होता है वहां पर एक टिपिकल वर्ड यूज करते हैं हम, दीज डेज। जैसे आजकल किस चीज का प्रचलन है, आजकल किस चीज का ट्रेंड है, नाउडेज वी आर प्रोवाइडिंग द ऑनलाइन क्लासेस। तो आजकल दीज डेज वर्ड यूज कर लिया ना मैंने, तो दीज डेज का मतलब है कि ये किसी पर्टिकुलर ट्रेंड की ओर इशारा कर रहा है।
और जहां किसी पर्टिकुलर ट्रेंड की ओर इशारा करेंगे तो वहां पर हमने क्या यूज करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में कि आप बोलते समय क्या कर रहे हैं, तो बोलते समय आप क्या कर रहे हैं, राम इज स्लीपिंग नाउ, राम अब सो रहा है। और कई बार क्या होता है ना, तो हम बोलते समय वो काम कर रहे होते हैं लेकिन ना वो ट्रेंड के लिए हमारे पास वर्ड होता है, लेकिन हमें लग रहा है कि आजकल हम ये काम कर रहे हैं, हो सकता है वो बोलते टाइम नहीं हो रहा है, वो ट्रेंड में भी नहीं है लेकिन वो अभी कर रहे हैं, तो भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे वी आर स्टडिंग एट होम, इसमें दीज डेज नहीं दे रखा, इसमें नाउ नहीं दे रखा, लेकिन काम तो अभी भी हो रहा है, इसी समय हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और अगर आपने इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो राम से पहले इज, वी से पहले आर और आई से पहले एम पुट कर दो, आपका सेंटेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में। और बाद में एंड ऑफ द सेंटेंस आपने क्या प्लेस करना है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस देख लेते हैं एक बार। अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, फ्यूचर इनडेफिनेट हो गया, अब प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है ये, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब ये होंगी, हैज और हैव वर्ब की फॉर्म होगी थर्ड, और डिनोटिंग वर्ड्स हो सकते हैं जस्ट, रीसेंट, इन रीसेंट टाइम, इन रीसेंट टाइम, ऑलरेडी, ये कुछ ऐसे टाइम डिनोटिंग एडवर्ब्स हैं जो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान बताएंगे कि आपने यहां पर क्या यूज करना है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे और ये जो टेंस होता है ये किस टाइम यूज होता है, जैसे कि आपने कोई काम पास्ट में किया लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी दिख रहा है, उसका प्रभाव अभी भी है। जैसे आप लोग ताजमहल देख के आए, आपने ताजमहल तो पहले देखा और आप किसी को कहते हो कि मैंने ताजमहल देखा है, मैं ताजमहल देख चुका हूं, इसके जो हिंदी में लास्ट वर्ड होते हैं ये तो आ है, ए है, ई है, या फिर चुका है, चुके है, चुकी है। जैसे आई हैव सीन ताज महल, मैंने ताज महल देखा है, लेकिन आपने आप बता रहे हो तो इसका मतलब है कि उस पुराने काम का इफेक्ट अभी भी देखा जा रहा है। द टीचर हैज जस्ट फिनिश्ड His class, हमारे पास दो एग्जाम्पल हो गए हैं, और इसमें हमारे पास कोई डिनोटिंग वर्ड नहीं है, ऑलरेडी वगैरह, जस्ट जैसे रिसेंट या इन रिसेंट टाइम, ऑलरेडी, एज ऑफ नाउ भी आ सकता है, सो फार भी आ सकता है, सो फार, ये कुछ ऐसे डिनोटिंग वर्ड्स हैं जिसके आधार पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे यूज करेंगे, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों करते हैं, ऐसे काम को दिखाने के लिए जो अभी अभी हुआ है या जिसका होना तो पहले हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव अभी देख चुके हैं, अभी भी उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो इस सेंटेंस में देखिए आप, द टीचर हैज जस्ट फिनिश्ड हिज क्लास, टीचर ने अभी अभी अपनी क्लास फिनिश करी है, इसका मतलब कि काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है, तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब हैज हैव को पहले ले आओ, वर्ब वही लगेगी, लास्ट में क्या लगाना है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम क्या करते हैं कि ऐसा काम जो भूतकाल में कभी चल रहा था, जिस तरीके से आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं ना, तो वैसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या यूज करेंगे, वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा था, कल पढ़ा रहा था, बोलते समय मैं कल पढ़ा रहा था आपको, तो आई वॉज टीचिंग यू यस्टरडे, आई वॉज टीचिंग यू यस्टरडे। यहां बात ध्यान देने वाली है कि आपने पास्ट इंडेफिनेट में भी यस्टरडे यूज किया था,
लेकिन यहाँ यस्टरडे एक टाइम डिनोटिंग वर्ड है, इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है कि ऐसा काम जो आज स्टार्ट होकर के फ्यूचर में भी चालू रहेगा। जैसे मैं कहूं कि आज का जो लेक्चर है, द लेक्चर विल बी, द लेक्चर विल बी कॉन्टिन्यूइंग, लेक्चर विल बी कॉन्टिन्यूइंग, लेक्चर जारी रहेगा, यानी आज काम शुरू किया है और कल भी जारी रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब यूज होती है विल या सेल और उसके साथ बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, जैसा कि सेंटेंस में किया है। विल सब्जेक्ट आपका लेक्चर हो गया, विल यूज कर लिया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ बी का फॉर्म बी, और कॉन्टिन्यू आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी और उसके साथ आपने आई एन जी और एड कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इसके बाद हम फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे, यानी के फ्यूचर परफेक्ट क्या होगा। जैसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस तो क्या है कि काम चालू रहेगा फ्यूचर में भी, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में कोई काम पिछले टाइम में यानी भूतकाल में शुरू होकर के और आगे जाकर के पूरा हो चुका होगा, यानी फिनिश हो चुका होगा। इसी सेंटेंस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द लेक्चर, अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में ये सेंटेंस यूज कर रहे हैं तो फ्यूचर परफेक्ट में ये करेंगे, द लेक्चर will have been, sorry, will have finished, lecture समाप्त हो चुका होगा। इसका मतलब क्या है, लेक्चर चल रहा होगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है तो लेक्चर चल रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो लेक्चर समाप्त हो चुका होगा। अब थोड़ा सा एक हम डिफरेंस थोड़ा सा जान लेते हैं, एक हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है और एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। देखिए ये सिर्फ वो टाइम बताता है जो वर्तमान में चल रहा है, ये सिर्फ वर्तमान के समय पर कोई एक्टिविटी हो रही है, यानी बोलने के समय जो एक्टिविटी हो रही है सिर्फ उसके बारे में बताता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वही अभी बताया था मैंने आपको, इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आई एन जी। इसमें क्या होता है, इसमें पिछला टाइम के साथ जो वर्तमान का टाइम है वो भी बताया जाता है, यानी कोई काम पीछे कब शुरू हुआ था और अगर वो अब भी चल रहा है तो इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ये पास्ट के साथ, पास्ट प्लस प्रेजेंट दोनों टाइम को बताता है और ये सिर्फ प्रेजेंट टाइम को डिनोट करता है। एक एग्जांपल देखिए, जैसे आई एम टीचिंग, ये एग्जांपल हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। और अगर मैं कहूं आई हैव बीन, आई हैव बीन टीचिंग सिंस द मॉर्निंग, या फिर एक और प्रेपोजिशन यूज होती है इसके, फॉर लास्ट टू हॉर्स। देखिए डिफरेंस देखिए, यहां पर सिर्फ ये कह रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, यानी कि मैं बोलते समय कुछ कर रहा हूं। अगले सेंटेंस में जो रेड पेन से लिखा हुआ है, I have been teaching, मैं पढ़ा रहा हूं कब से, since, यहां पर दो प्रेपोजिशन आपको देखने को मिलेगी, एक since और एक for, स्ट्रक्चर वही यूज होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में been और have का यूज होता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में is amr के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का यूज होता है। तो I have been teaching since the morning और for last two hours, मैं कब से पढ़ा रहा हूं, पिछले दो घंटे से पढ़ा रहा हूं या सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मैंने भूतकाल में कोई काम शुरू किया था और वो अब भी चल रहा है, तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन अभी काम चल रहा है,
कब शुरू हुआ था, पिछला कोई समय नहीं है तो हम यूज करते हैं सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ये रहा था आपका ऊपर लिखा हुआ था, लेकिन स्ट्रक्चर यहां दोबारा लिख रहा है, दोबारा फिर लिख दिया मैंने इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस होता है। इस तरीके से आपने इन दोनों को यूज करना है। बाकी ज्यादा डिफरेंस नहीं होता फ्यूचर परफेक्ट में। आपको ये हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको अभी बताई थी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल बी के साथ आईएनजी, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वही चलेगा विल शैल हैव बीन के साथ आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अभी हमने कर ही लिया ये भी। पास्ट परफेक्ट, देखिए पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ये कर लेते हैं। जो पास्ट परफेक्ट है वो पास्ट का भी पास्ट होता है, यानी अर्लियर पास्ट, यानी कोई काम भूतकाल से भी पहले हुआ हो और वो पूरा हो चुका हो तब हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट, समझ गए। पास्ट का भी पास्ट यानी अर्लियर पास्ट, जैसे आई हैड टोट यू, मैं तुम्हें पढ़ा चुका था, यानी भूतकाल में ही मैंने वो काम संपन्न कर लिया था। और अगर इसको इस तरीके से कहें आई टोट यू तो यहां डिफरेंस ये है, यहां तो हमें काम समाप्त होने का समय पता लग रहा है कि काम संपन्न हो चुका था, यहां पर हमें यह नहीं पता कि काम कब संपन्न हुआ, लेकिन काम संपन्न हो गया। आई टोट यू का मतलब मैंने तुम्हें पढ़ाया, आई हैड टोट यू का मतलब है मैंने तुम्हें पढ़ाया था, यानी कि काम संपन्न हो चुका था। अब पास्ट परफेक्ट का जो सेंटेंस है वो कई बार पास्ट इनडेफिनिट के साथ कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसके लेकर के हम थोड़ा सा एक बार करेंगे इसको। पास्ट परफेक्ट और पास्ट इनडेफिनिट ये क्या कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जब ये दोनों टेंसेज इकट्ठे यूज होते हैं तो इसमें दो एक्शन होते हैं। जो एक्शन होते हैं जब ये दोनों टेंसेज को इकट्ठे यूज करेंगे, एक एक्शन होता है पहले और एक एक्शन होता है बाद में। तो अब हमने ये देखना है जब ये दोनों टेंसेज यूज करेंगे तो पहले कौन सा यूज करना है, पास्ट परफेक्ट करना है या पास्ट टेंस इनडेफिनिट यूज करना है। अगर कोई काम पहले होता है तो हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट का, और जो काम बाद में होगा वहां पर हम यूज करेंगे पास्ट इनडेफिनिट का। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के अंदर पक्का आता है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, द टीचर हैड फिनिश्ड हिज लेक्चर, फिनिश्ड हिज लेक्चर बिफोर द स्टूडेंट्स केम, बिफोर द स्टूडेंट्स केम। अब देखिए हैड आ गया तो इसका मतलब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है तो क्या यूज करना है, क्या यूज करना है, पास्ट परफेक्ट। अब इसमें देखिए ये केम है, ये सेकेंड फॉर्म है, और अगर ये सेकेंड फॉर्म है तो इसका मतलब है कि हमने क्या यूज करना है, पास्ट इंडेफिनेट। अब पास्ट इंडेफिनेट कब यूज करते हैं, एक्शन दो हो और पहला एक्शन जो है ये रहा, पहला एक्शन जहां पहला एक्शन होगा वहां पास्ट परफेक्ट, जहां दूसरा एक्शन होगा यानी बाद वाला एक्शन होगा वहां पास्ट इंडेफिनेट टेंस। अब समझ लेते हैं एक बार इसको, द टीचर हैड फिनिश्ड हिज क्लास। अब देखिए सबसे पहले हमने ये देखना कि काम कौन सा पहले हो रहा है और कौन सा बाद में हो रहा है, अर्लियर एक्शन कौन सा है, अर्लियर एक्शन कौन सा, यानी कि पहले वाला एक्शन कौन सा है, टीचर ने पहले पढ़ाया, बच्चे क्लास में पहले आए। देखिए टीचर अपना लेसन पहले ही पढ़ा चुका था, इसका मतलब है कि पहला काम क्या है, पढ़ाने का,
पहला काम क्या है, लेसन या जो भी वो लेक्चर अपना दे रहा था वो फिनिश करने का। उसके बाद बच्चे आए, बच्चे बाद में आए, तो बच्चे बाद में आए तो इसका मतलब क्या है, वो दूसरा एक्शन है। तो आना क्या है, ये आना है, यानी के मतलब हम क्या लिखेंगे, आए, और आए तो ये हो गया सेकंड फॉर्म, और ये समाप्त कर चुके थे, समाप्त करना हो गया, तो ये पहला हो गया, ये समाप्त करना है तो ये पहला हो गया। जो काम पहला होगा वहां पर पास्ट परफेक्ट, जो काम दूसरा होगा यानी बाद में जो काम होगा वहां पर पास्ट इंडेफिनेट। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। और जब भी कंजक्शन ऐसा दो सेंटेंसेस को जब जोड़ेंगे तो आपको पता है ये तो प्रेपोजिशन यूज करते हैं, कंजक्शन यूज करते हैं, तो जो बिफोर कंजक्शन है ये ऐसे सेंटेंसेस में आपको देखने को मिलेगा। तो जो बिफोर से पहले का पार्ट होगा वहां पर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर बिफोर है तो उससे पहले पास्ट परफेक्ट और बिफोर के बाद क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनेट। तो इसमें आपने कंफ्यूजन नहीं करना है। इसी तरीके का सेंटेंस अगर आफ्टर कंजक्शन के साथ आए, ये अभी हमने बिफोर कंजक्शन का यूज किया था, अगर आफ्टर कंजक्शन के साथ आए तो आफ्टर वी हैड कंप्लीटेड द कोर्स क्या कहना चाहता है ये, कोर्स कंप्लीट करने के बाद वी गॉट द सर्टिफिकेट, वी गॉट द सर्टिफिकेट्स। यहां पर दूसरा काम क्या है, यहां पर दूसरा काम है ये, और आफ्टर के बाद यानी कि हमने कोर्स पूरा करने के बाद हमें क्या मिला, सर्टिफिकेट मिला। तो आफ्टर अगर कंजक्शन है तो उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी, और बिफोर अगर कंजक्शन है तो उससे पहले, बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद, समझ गए ना। थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट है, और आफ्टर के बाद आती है ये, और बिफोर से पहले आती है। ये चीज आपने ध्यान करनी है, ये चीज आपने नोट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो आफ्टर वी हैड कंप्लीटेड यानी पहला काम क्या हुआ, कोर्स कंप्लीट हुआ, पहले पहले कोर्स कंप्लीट हुआ, उसके बाद दूसरा काम क्या हुआ यानी बाद वाला एक्शन क्या हुआ, वी गॉट द सर्टिफिकेट, बाद में हमें सर्टिफिकेट मिले, पहले हमने कोर्स पूरा किया। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनेट के अंदर जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है उसको क्लियर करने की कोशिश की गई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक पास्ट इंडेफिनेट को लेकर के एक कुछ टिपिकल टाइप के एग्जाम्स के अंदर एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे कि कुछ पास्ट की विश दिखानी है आपने, पास्ट की विश यानी भूतकाल में आपकी कोई इच्छा थी और आप उसको व्यक्त करना चाहते हैं, तो उसको पास्ट इंडेफिनेट टेंस में कैसे यूज करते हैं। जैसे इफ से सेंटेंस शुरू होता है, इफ आई, इफ He, if she, यहां पर हम क्या गड़बड़ करते हैं, जैसे हमारे पास आई सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है या सी सब्जेक्ट है, नॉर्मल सेंस में यानी सामान्य परिस्थितियों में हम आई के साथ वोज यूज करते हैं, ही के साथ हम भी, ही के साथ भी वोज यूज करते हैं और सी के साथ भी वोज यूज करते हैं, लेकिन यहां सभी के साथ अगर वो पास्ट की विश दिखा रखी है या कंडीशनल सेंटेंस है तो उस टाइम हम कोई भी सब्जेक्ट हो हमारे पास, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी हो, सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो, आपने ऐसे वाक्यों के लिए वर यूज करना है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, इफ आई वर अ किंग, इफ ही वर द
टीचर, इफ सी वर द क्वीन। अब देखिए सभी जगह जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट है, कहीं जगह प्लूरल है कहीं जगह सिंगुलर है। अगर अगर ये साधारण वाक्य होता तो यहां पर क्या होता, इफ आई वॉज ये हट जाता, अगर ये साधारण वाक्य होता ये हट जाते दोनों तीनों, तो ये ना हो तो ये क्या लिखा जाएगा, आई वॉज अ किंग। और अगर ये हो तो इसने क्या कहा है कि मेरी तो विश है, मेरी इच्छा थी कि भी मैं काश राजा होता। तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पर आप अपनी पास्ट की विश या कोई कंडीशनल सेंटेंस यूज करते हैं तो वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल होती है, सिंगुलर नहीं होती। वॉज नहीं होगा आपके पास, क्या होगा वो वर होगा। इफ आई वर अ किंग, इफ ही वर द टीचर, इफ सी वर द क्वीन। और ये हटा दिया जाए तो इसका मतलब कि वो साधारण वाक्य हो गया। और फिर आप लोग जिस तरीके से आप नॉर्मल सेंटेंसेस में यूज करते हैं वॉज सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर, तो इसी तरीके से फिर आप उसको ट्रीट करेंगे। आज के इस वीडियो में जो हमारा जो टेंस का जो पार्ट बच गया था आज हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। और आगे का जो वीडियो आएगा वो आपको जिस समय आपको जो नया लेक्चर प्रोवाइड करवाएंगे उसी समय आपको सूचित कर दिया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए सभी का धन्यवाद। और इस चैनल को ओम क्लासेस पुंडरी का जो चैनल है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लासेस जो प्रोवाइड कर रहा है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आ जाओ आ जाओ।